गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th हिंदी मीडियम से, सब्जेक्ट है SST सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी भूगोल, चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 8 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 8। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो टॉपिक है जिस पर हम अध्ययन करेंगे, उसका नाम है संचार सेवाएं। क्या है? संचार सेवाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संचार सेवाओं का क्या योगदान रहा है, जिससे हमारे जीवन को यानी कि पहले के बजाय कहीं अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाया है और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था भी उससे मजबूत हुई है। तो आइए हम देखते हैं संचार सेवाएं। देखो, संचार सेवा सबसे पहले देखते हैं कि संचार सेवाएं क्या है, कि संदेश को प्राप्त करना और संदेश को किसी तरह से किसी को भेजना, संदेश को प्राप्त करना और संदेश को भेजने का जो एक मीडिएटर है, जो माध्यम है, वे एक तरह से संचार साधन कहलाता है। चाहे पुरानी तकनीकी का हो या आधुनिक तकनीकी का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संचार सेवाएं के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल के अगर देखते हैं तो संचार के कोई साधन उपलब्ध नहीं होते थे। व्यक्ति अपने जो संदेश था, संदेश वाहक को पैदल ही चलना पड़ता था, पैदल जाके संदेश देता था, बहुत लंबी दूरी तय करता था और काफी दिनों बाद संदेश को पहुंचाता था और इस प्रकार से संदेश प्रदान किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे विज्ञान और तकनीकी का युग आया और समय बदलता गया और आधुनिक समय ऐसा आया कि संचार के साधन में इतनी सरलता ला दी कि व्यक्ति दूर दराज में बैठा हुए व्यक्ति भी अपने किसी प्रकार के कार्यालय या व्यापार से संबंधित कोई भी मैसेज हो, उसका आदान प्रदान आसानी से कर सकता है। तो संदेश को प्राप्त करना और संदेश को भेजना भी मुख्य रूप से संचार सेवा के अंदर सम्मिलित की जाती है। ये जो संचार की सेवाएं, ये निजी दूरसंचार में और जनसंचार सेवा, इसके दो साधन हैं, यानी कि ये प्राइवेट भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है। कि प्राइवेट के माध्यम से भी आप जो कुछ प्राइवेट सेक्टर भी बने हुए हैं संचार के साधन, और कुछ आपके जनसंचार यानी कि साधन है। जैसे लेते हैं किसी प्राइवेट के अंदर है, जैसे आज हम जैसे कोई भी जैसे पार्सल जो है, जैसे भारतीय डाक सेवा के अंदर भी जाती है और भारतीय डाक सेवा के अलावा जो कुछ हमारे ऐसे प्राइवेट व्यक्ति हैं जो पार्सल का काम करते हैं, तो उनके माध्यम से भी इस प्रकार से किसी मैसेज को या सामान का आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मुख्य रूप से हमारे संचार के जो साधन है, उन संचार के साधनों में देखते हैं दूरदर्शन, जो हमारे आकाशवाणी से संबंधित है, रेडियो, दूरदर्शन, दूरदर्शन रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, समूह, प्रेस, सिनेमाघर, चलचित्र, ये जो टेलीविजन है, ये सभी हमारे संचार के एक साधन है, ये सभी हमारे संचार के साधन है। देखिए, दूरदर्शन जैसे रेडियो देखते हैं, पहले रेडियो भी बहुत कम होता था, रेडियो भी नहीं होता था। अगर एक समय देखेंगे, अगर कुछ समय पहले का हम चर्चा करें, अगर किसी रूरल एरिया में अगर रेडियो भी है तो आसपास के सभी लोग आके उस रेडियो को सुनते थे कि क्या समाचार है, क्योंकि इतनी गरीबी थी, लोगों के पास में एक रेडियो तक नहीं था। लेकिन अगर आज के युग का हम कंपेयर करें पहले से समय को और आज के समय को, तो कितना चेंजिंग आएगा। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल मिला हुआ है। तो देखिए, समय
की गति कितनी तेजी से वृद्धि हुई और संचार के साधनों में तेजी से बिल्कुल एक काया पलट गई। तो ये दूरदर्शन, दूरदर्शन रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समूह, प्रेस, विज्ञप्ति, सिनेमा, ये सभी संचार के हमारे साधन हैं। भावनात्मक संचार विश्व का व्रतम, व्रतम माने सबसे बड़ा तंत्र है। हमारा जो डाक विभाग है, जो भारतीय डाक विभाग है, वे भारतीय डाक विभाग हमारे पूरे संसार का सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है, एक व्रतम, एक सिस्टम है, तंत्र है। इसके माध्यम से पार्सल, निजी पत्र और इनके द्वारा जो तार, आज तो मोबाइल है, पहले तार होते थे, जैसे अगर किसी का बेटा डिफेंस में है या बहुत दूर है तो भारतीय डाक विभाग में जाके तार के माध्यम से, एक तार के माध्यम से मैसेज कर दिया जाता था और उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया जाता था, जिसमें जितने आप कम शब्द लिखोगे, कम से कम शब्द लिखकर उसको मैसेज को किया जाता था, अधिक शब्द लिखोगे तो उसमें अधिक आपको जो पैसे हैं, रुपए हैं, वे उसको देने पेड़ करने होते थे। तो कम से कम शब्दों में अपनी बात को लिखा जाता था ताकि संदेश प्राप्तकर्ता को उसका मैसेज मिल सके। तो इसमें बड़ा तंत्र है, इसमें पार्सल और निजी पत्र भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे अगर हम डाक विभाग में देखते हैं तो हमारी जो भारतीय डाक प्रणाली है, उस भारतीय डाक प्रणाली को हम मुख्य रूप से छह भागों में बांटा गया है सरलता की दृष्टि से। कितने भागों में बांटा है? हमारे डाक, हमारी भारतीय डाक प्रणाली को उसको अधिक सरल बनाने के लिए उसको हमने कुछ को भाग में डिवाइडेशन किया है, जिसके मुख्य छह भाग हैं, छह डाक भाग बनाए गए ताकि हर व्यक्ति को एक सरलता से उसको मैसेज मिल सके, जिसके छह भाग है। जैसे नंबर एक राजधानी मार्ग, राजधानी मार्ग, नंबर एक, नंबर दो मेट्रो चैनल, नंबर तीन ग्रीन चैनल, नंबर चार व्यापार चैनल, नंबर पांच भारी चैनल और नंबर छह दस्तावेज चैनल। ये हमारे चैनल बनाए गए। जैसे राजधानी चैनल के माध्यम से जैसे पत्र पत्रिकाएं, डाक ऑफिस द्वारा, भारतीय डाक द्वारा, जैसे पोस्ट कार्ड है, लिफाफे हैं, जैसे अंतर्देशी कार्ड है, जो चिट्ठी है, ये इसके अंदर आती है। पहले इसका प्रचलन बहुत अधिक था लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो रूप है वे चेंज हो गया। फोन आ गए, फोन के बाद में आज मोबाइल आ गए। अब कोई पत्र पत्रिका लिखना नहीं जानता, चिट्ठी लिखता नहीं है कोई भी। पहले डाकिए का इंतजार किया जाता था कि कोई मैसेज मिलेगा, क्योंकि पहले संचार का साधन भारतीय डाक विभाग के द्वारा ये आपके जैसे कार्ड है, लिफाफा है, इसके अंदर इसके माध्यम से अंतर्देशीय है, इनके माध्यम से किया जाता था, जो तीन चार पाँच दस दिन के अंदर पहुँचते थे। लेकिन आज तुरंत मोबाइल के माध्यम से आप घर बैठे आप अपनी फोटो सहित आप बातें कर सकते हो। कितना तकनीकी का योग हो गया। उसी प्रकार से जैसे मेट्रो चैनल है, तेज गति से चलने वाले माध्यम से, जैसे पार्सल के ग्रीन चैनल्स है, व्यापार के माध्यम से व्यापार के चैनल बने, किसी माल का आयात निर्यात करना डाक विभाग के द्वारा, भारी सामान को अलग, हल्के सामान को अलग, और दस्तावेज को अलग, जैसे कि दस्तावेज भेज दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट कागज है उनको भेजा जाता है, तो पार्सल में या किसी अन्य माध्यम से। भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। अगर हम महाद्वीपों की बात करते हैं, जैसे पूरे संसार में सात महाद्वीप हैं और हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा भारत देश सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है, और इसका यानी कि संचार के साधनों में बहुत तेजी से विकास हुआ। न केवल नगरीय क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है, नगरीय क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इसका तेजी से विकास हुआ है। लगभग दो तिहाई जो गांव है, जो पहले एसटीडी आईएसओ जो पीसीओ था, क्योंकि पहले हर व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन फोन होते थे, ये दुकान होती थी, जो एसटीडी पीसीओ और आईएसडी के नाम से होते थे, जो आईएसडी जो विदेशों में होते थे और एसटीडी जो अपने लोकल जो फोन होते थे उसमें होते थे, फोन किए जाते थे।
जो 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराते थे। लेकिन देखिए वे समय था जब एसटीडी और आईएसडी पीसीओ की दुकान थी, लेकिन आज ये दुकान बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनका स्थान मोबाइल ने ले लिया है। अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल आ गया है। पहले व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे, ऐसी तकनीकी नहीं थी कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो। पहले एसटीडी पीसीओ और आईएसडी के ऊपर सेवाएं लेकर ही अपने मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता था, जो 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होती थी। लेकिन वर्तमान में इसका स्थान किसने ले लिया? मोबाइल ने ले लिया, कि मोबाइल के कारण हर व्यक्ति की सुविधाएं और अधिक बढ़ गई। प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास हुआ। मतलब एक देश का दूसरे देश में जब अंतर संबंध बना, तो एक देश की दूसरे देश से तकनीकी पहचाने लगे। आज देखिए चाइना जैसे ये आ रहे हैं, मोबाइल फोन आ रहे हैं, अलग अलग कंपनियां बना रही है, अलग अलग इसमें सिम कार्ड तो यूज किया जा रहा है, नई नई तकनीकी माध्यम से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो एक देश दूसरे देश से कोई ना कोई तकनीकी का विकास हो रहा है। तकनीकी के विकास के साथ साथ जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि हम उस तकनीकी को अपने देश के अंदर उसको लागू कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उससे काफी लोग उस तकनीकी में संलग्न है, उसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और साथ में हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी तकनीकी के साथ मनोरंजन के साधनों का भी विकास हुआ है। जो संचार के साधन है उसमें जैसे हमारा रेडियो है, टेलीविजन है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी केंद्र है, इसमें समय समय पर मनोरंजन के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। साथ में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आते हैं, पूरे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन होता है। नई नई जो नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों का प्रसारण किया जाता है, और इन इसके माध्यम से हमको घर बैठे इनकी जानकारी इनको मिलती है, जिनका हम फायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं नए नए, जैसे मान लीजिए कोई नई नई पॉलिसी बनी है, जैसे इस समय चल रही है कि 2020-21 की नई एक शिक्षा नीति आएगी, कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक पाठ्यक्रम होगा, एक साथ लेकर उसको चलने वाला एक सेशन होगा, किस बोर्ड को हटाया जाए, किसको लगाया जाए, क्या पाठ्यक्रम होगा, बच्चों के ऊपर भार कम हो, तकनीकी शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाए, सैद्धांतिक को कम, ऐसे नए नए नियम आएंगे तो सब लोग इससे जागरूक होंगे। तो ऐसे जागरूकता अभियान चला गए आकाशवाणी चैनलों के माध्यम से, साथ में मनोरंजन के साधनों में देखते हैं चलचित्र, जो हमारे चलचित्र जैसे वीडियो जाए फिल्में बनी, साथ में ये जो बनी ये इसमें स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। ये नहीं है कि जैसे किसी एक भाषा के ऊपर ही आपके इन संचार के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमारा भारत देश एक विशाल देश है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कहीं हिंदी है, कहीं तेलुगु है, कहीं तमिल है, कहीं कन्नड़ है, कहीं मराठी है, कहीं मलयालम है ना, तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अलग अलग भाषाओं के आधार पर अर्थात स्थानीय जो क्षेत्रीय भाषा है उनका भाषाओं का भी विकास किया गया, उन भाषाओं के माध्यम से भी रेडियो टीवी पर समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से और फिल्में जारी की जाती है, जिससे व्यक्ति को जागरूकता हो, उसको ज्ञानवर्धक हो, उसको ज्ञानवर्धक हो। तो ज्ञानवर्धक और ज्ञानवर्धक के साथ साथ में खेल जगत के बारे में भी समाचार मिलते हैं कि कौन सी टीम ने कब भाग लिया, किसने कितने पदक जीते, किसकी क्या स्थिति है, कौन सा खेल कैसे खेला जाए, उस खेल के क्या रूल रेगुलेशन है। तो खेल जगत के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। क्यों? कि जब एक देश दूसरे देश के साथ में खेल खेलता है तो उसमें आपस में प्रेम की भावना उजागर होती है, एकता की भावना होती है, इससे हमारे देश की जो है एकता ही बनती है, दूसरे देश के साथ हमारे सकारात्मक संबंध भी बनते हैं। इसी प्रकार से संचार के साधन और देखते हैं तो अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं हमारे समाचार की जो हमारे पत्र पत्रिकाएं हैं वे भी हमारे संचार के साधन है। जो हमारी अनेक पत्र पत्रिकाएं जिनको हम या तो दैनिक रूप से या साप्ताहिक
या मासिक रूप से हम उनका अध्ययन करते हैं, तो उनसे भी हमें ये संचार के साधनों से हमें यानी ज्ञान मिलता है। ये विभिन्न भाषाओं में पब्लिश होते हैं, छपते हैं विभिन्न भाषाओं में। ये अगर देखते हैं लगभग 100 भाषाओं में, लगभग 100 भाषाओं में ये पत्र पत्रिकाएं जो मैगजीन है ये छपती हैं। और सबसे अधिक जो भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वे है हिंदी। कौन सी है? हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सबसे अधिक पत्र पत्रिकाओं का यानी कि पब्लिशर किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक लोग पढ़ते हैं। हिंदी के बाद में अंग्रेजी और उर्दू और उसके बाद में अन्य स्थानीय यानी क्षेत्रीय भाषाओं में ये अपने दैनिक और साप्ताहिक और मासिक और वार्षिक पत्र पत्रिकाओं का यानी कि प्रसारण या पब्लिशन किया जाता है, जिससे लोगों को ज्ञानवर्धक प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी पत्र पत्रिकाओं का विशेष योगदान। जैसे अगर हम देखते हैं पत्रिका जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हमारा इंग्लिश का, द इंडियन एक्सप्रेस है हमारा, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया है हिंदी में, देखते हैं जैसे पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, कहीं अमर उजाला, तो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। अगर हम विश्व में देखते हैं तो हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है, चलचित्र सबसे अधिक बनाता है। कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो पिक्चर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म भी बनाता है। हमारा जो भारत देश है ये नहीं है कि केवल बड़ी अवधि की कि लंबे समय तक कि 2 या 3 घंटे की चलने वाली जो चलचित्र वाली फिल्में बनाए, छोटी फिल्म भी बनाता है। कम अवधि वाली फिल्म और वीडियो पिक्चर फिल्म का भी यानी कि प्रसारण हमारे संचार सेवाओं के माध्यम से किया जाता है, जिससे देश की जनता को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की जागरूकता होती है, जो उनको ज्ञान मिलता है। इनके लिए जो जितने भी जैसे हमारी ये फिल्म बनी हुई है, इन फिल्म के लिए बोर्ड बना हुआ हमारा जिसे कहते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड का मुख्य रूप से काम है जब भी कोई फिल्म चलचित्र के माध्यम से जो तैयार किए जाते हैं, तो सबसे पहले इस बोर्ड के पास जाती है। बोर्ड इसका क्या कह सकते, बोर्ड इसका एक तरह से इसका सर्वे करता है, इसको देखता है, इसको देखता है कि हाँ ये फिल्म किस प्रकार से बनी, ये समाज में प्रसारण करने लायक है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई तत्व तो छिपा नहीं है कि जिससे कहीं कम्युनिटीज में, किसी रेस में या किसी रिलीजियस में कहीं झगड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले केंद्रीय फिल्म जो प्रमाण बोर्ड है उसकी जांच करता है, उस फिल्म को देखता है कि उस फिल्म को देखने के बाद उसको लगता है कि ये बिल्कुल यानी कि हमारे के अनुसार है या जो फिल्म बोर्ड के जो नियम बने हुए हैं फिल्म बोर्ड के अनुसार है, जिसके फिल्म के प्रसारण से किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, तभी उस फिल्म को ये अनुमति प्रदान करता है। और उसके बाद में अनुमति मिलने के बाद में उस फिल्म को, उस वीडियो को और हमारे समाज में उसको प्रसारण कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे संचार सेवाएं के बिंदु कि हमारे भारत देश के अंदर संचार सेवाएं के कौन कौन से माध्यम है और उन संचार माध्यम से हम कैसे लाभान्वित होंगे। न केवल हमारी भारतीय आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, हमें ज्ञानवर्धक ज्ञान ही प्राप्त करता है, और साथ में हमारे बहुत से जो भारत देश के जो लोग हैं इस संचार सेवाओं में जुड़े हुए हैं, जिससे कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत से सेवा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, और कोई भी आपको इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसका कमेंट करना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप एंडिंग में इसको सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।